बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मौजूद हैं हम बहरिया स्काई, इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हब की शान, सबसे बड़े अप्रूव्ड मेगा प्रोजेक्ट बहरिया स्काई में, जहाँ पे आपको इस वक्त सेकंड फ्लोर के लैंडर के ऊपर मैं मौजूद हूँ। और उन तमाम इन्वेस्टर्स को वंस अगेन कॉन्ग्रेच करना चाहूँगा जिन्होंने टाइमली डिसीजन लेते हुए आज 25% तक की एप्रिसिएशन बहरिया स्काई जैसे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इस प्रोडक्ट के हवाले में कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को फील कर सकें कि डेवलपर्स का विजन, यहाँ की कंस्ट्रक्शन, यहाँ का काम किस लेवल पे चल रहा है, और क्या ये काम आपको दूसरे लेवल से डिफरेंट फील होता है या नहीं। यानी कि आपको क्या यहाँ का काम दूसरे दीगर मॉल्स के निस्बत क्या उसमें कुछ डिफरेंस फील होता है, और अगर होता है और वो पॉजिटिव डिफरेंस होता है तो फिर फैसला आपका खुद का है कि आपने क्या इन्वेस्टमेंट बहरिया स्काई में करनी है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे आपको रिटर्न्स वैसे नहीं मिलने वाले जैसे आपको बहरिया स्काई में मिल सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़, मैं इस वक्त सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। मैं एक छोटी सी लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क इस वक्त चल रहा है। ये इस वक्त जोन सी के लेंटर के स्टील वर्क, स्टील बाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है, और यहाँ पे कंक्रीट वर्क जो है अभी होना बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहरिया स्काई की और दूसरे दीगर मॉल्स की निस्बत जो डिफरेंस आपको फील होगा, सेकंड फ्लोर के लेंटर में होने के बावजूद अगर आप सराउंडिंग में लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर अगर आप अपना थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे आके करेंगे, आपको फीलिंग्स ऐसे आएंगी कि ये सेकंड फ्लोर नहीं, शायद थर्ड फ्लोर चल रहा है, शायद थर्ड फ्लोर के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, जबकि ये सेकंड फ्लोर का है। वजह ये कि इसके ग्राउंड फ्लोर का 15 फीट का डबल हाइटेड फ्लोर बनाया गया है, जो डेफिनेटली आने वाले वक्त में ब्रांड्स की डिमांड है, वो ब्रांड्स की डिमांड जो शोरूम्स के ऊपर आपको डबल हाइटेड शोरूम्स जो देखने को मिलते हैं वाकई बड़े ब्रांड्स के अंदर। तो ग्राउंड फ्लोर के ऐसे शोरूम्स जो डबल हाइटेड हों वही ब्रांड एक्वायर करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है, डिस्प्ले की डिमांड होता है, उनके शोरूम्स की डिमांड होती है कि वो अपने स्टैचूज और अपनी डिस्प्ले को इस तरह से प्रेजेंट करें जो आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके। इस चीज़ को देखते हुए आप इनके विजन का, इनकी डिलीवरी का, इनके वर्क क्वालिटी का आइडिया ले सकते हैं कि ये किस लेवल पे आपको अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम जो है वो अपना कंप्लीशन की तरफ लेके चल रहे हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह से आप देख रहे होंगे इस कमर्शियल हब के अंदर, मैं सिर्फ ये नहीं बल्कि कहूँगा आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या किसी कमर्शियल हब के अंदर, बल्कि बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड की हिस्ट्री के अंदर किसी डिवेलपर ने टावर क्रेन के साथ अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट किया हो, ऐसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। टावर क्रेन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे इस वक्त 100 टाइम इस टावर क्रेन के थ्रू आपको मैनुअल पावर से ज़्यादा इसका काम लिया जा रहा है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जहाँ पे डेवलपर्स आपको एक शॉर्ट डेडलाइन के अंदर आपको जहाँ बताते थे कि इतना काम इस टाइम पीरियड के अंदर वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, अब वो काम उससे पहले ही आपको कंप्लीशन की तरफ देखते हुए नज़र आएगा। टावर क्रेन इस वक्त वर्किंग में है, चल रही है, अपना काम कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। फर्दर मैं आपको एक चीज़ और गाइड करना चाहूँगा, अगर आप कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इधर इस तरफ गौर कर सकें, तो ये एग्जैक्टली बहरिया स्काई की मेन मेगा एंट्रेंस है, जिसमें एंटर होते साथ ही आपको ये ओपन टू स्काई एरिया देखने को मिल रहा है। क्या आपको दूसरे मॉल्स के अंदर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है जहाँ पे ये मेगा मॉल के इस ओपन स्काई एरिया को आपको रूफ गार्डन तक लेके जाने वाले हैं, और ये आपको ओपन टू स्काई एरिया जहाँ पे डेवलपर चाहता तो आने वाले वक्त में यहाँ पे भी दुकानें काट के आपको वो सेल आउट कर सकता था, क्योंकि ये सबसे प्राइम लोकेशन और सबसे महंगी जगह है जहाँ पे उसने ओपन टू स्काई एरिया दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एट्रियम लुक के लिए, आपको मॉल के एट्रियम की वो लुक देने के लिए, वो एम्बियंस देने के लिए, और एक मॉल का, एक सुपर लग्जरी मॉल का डेकोरम मेंटेन करने के लिए इस एट्रियम को बिल्ट किया जा रहा है, ताकि हर बंदे को इसका फ़ायदा हो सके जो इन फ्यूचर यहाँ पे बिजनेस करेगा, या फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, और जो डेफिनेटली रीसेल में अपनी चीज़ों को फिर बेचेगा भी। फर्दर अगर चीज़ देखें,
तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ऑलरेडी कई वीडियोस में पहले भी सुना होगा, देखा होगा, तो वो सामने शॉट आपको ऑनलाइन कैमरा एक्सेस देखने को मिल रही होगी, जो बहरिया स्काई ने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए एक ज़बरदस्त खुशाइन काम किया कि एवरी 24/7 आप जहाँ पे जहाँ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, या फिर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट को प्रोसीड करें, क्योंकि डेफिनेटली आप एवरी टाइम कंस्ट्रक्शन वॉच कर सकते हैं बहरिया स्काई की, आप वो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं जो आप जिसके पे कर रहे हैं, आप जिसको पे आउट कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे वर्क कंप्लीट होता हुआ टाइमली देख रहे हैं तो आप ताखीर किसी किस्म की नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे मूव्स व्यूअर्स, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं, आपको इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन देती हैं, आपकी सिक्स सेंस इस चीज़ को मजबूर करती है कि वाकई डिवेलपर इस वक्त यही चाहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र को, और यहाँ पे आने वाले वक्त में इस मॉल को रन करने के लिए उसे बेस्ट वे में फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में उनको बेस्ट बेनिफिट हो सके। अब आप देख लें कि वो डेवलपर्स जिन्होंने अपना जब स्टार्ट लिया था एक अराउंड दिसंबर के पास, तो यहाँ पे डिगिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और डिगिंग जिस वक्त यहाँ पे स्टार्ट की गई थी उस वक्त यहाँ पे कोई चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे बनने क्या लगा है, और जिस वक्त डिगिंग कंप्लीट हुई, डिगिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया गया, जनवरी में इन्होंने यहाँ पे सेलिंग राइट स्टार्ट किए, और तब पता चला कि यहाँ पे बहरिया स्काई जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट कर दी गई है, और होपफुली आने वाले वक्त में एक इस खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको अंडर वन रूफ तमाम अमेनिटीज़ कम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही हैं, एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी प्रोवाइड की जा रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, रेजिडेंशियल्स को फैसिलिटेट करने के लिए 60 फुट का मेन बुलेवार्ड दिया गया है, जबकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए 160 फीट का मेन बुलेवार्ड यहाँ पर दिया गया है, 2 साइड 7.5 किनाल का मॉल और 15 किनाल के कवर एरिया के साथ एक ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर जो 16 फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पेंट हाउसेस जो रूफ टॉप के ऊपर डबल हाइटेड डबल ग्लास्ड पेंट हाउसेज विद स्विमिंग पूल विद जिमनेजियम स्पा सोना और तमाम फैसिलिटीज़ के साथ आपको जो पेंट हाउसेज दिए जा रहे हैं उनका क्या खूबसूरत व्यू होगा, जिसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपको 80 फीट का आपको गोल्फ पार्क बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 का देखने को मिल रहा हो, और जहाँ पे आपको 160 फीट के ज़बरदस्त व्यू का ऑपोजिट टाइम स्क्वायर मॉल का आपको एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यूज और सनलाइट और वेंटिलेशन के साथ आपको सुपर लग्जरी पेंट हाउसेज प्रोवाइड किए जा रहे हों, इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए और क्या हो सकती है। फर्दर आज की वीडियो में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था, मेरा मकसद कतई ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई कमर्शियल शॉप लें या फिर आप कमर्शियल शॉप के अलावा कोई पेंट हाउस लें, लेकिन बताना और वो स्पेशल मूव्स आपको बताना बहुत ज़रूरी थे जिसकी बेस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, फैसला आपका डेफिनेटली आपके हाथ में, आप यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहें या अपार्टमेंट बनाना चाहें, इट्स अप टू यू, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं आपको 100% एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, बहरिया स्काई से बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, बहरिया स्काई से ज़्यादा फास्ट कंस्ट्रक्शन और बहरिया स्काई से ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वाली और कोई इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन के सराउंडिंग में मुझे तो नहीं अभी देखने को मिली। ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। फर्दर किसी किस्म की अगर बहरिया स्काई या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिटेल हो तो आप गिवन नंबर पे रابطہ करें ताकि आपको इसके हवाले से मज़ीद बेहतर गाइड किया जा सके। मुझे इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।